अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए मर्सिडीज C180 AMG का एक वॉक अराउंड लेके आया हूं। इस वीडियो में इस गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर ऑप्शंस और इस गाड़ी की प्राइस आप लोगों को बताई जाएगी। ये गाड़ी कहाँ पर अवेलेबल है वो भी आप लोगों को बताया जाएगा, तो वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। तो कीज़ मैं काफ़ी मरतबा दिखा चुका हूँ, ये इसके ऊपर फ़िलहाल कवर लगा है और कवर इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस पर लॉक अनलॉक और ट्रंक रिलीज़ का बटन है और ये काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी BMW M कार, क्योंकि इस तरह की जो पैटर्न आता है ना वो BMW की M कार्स पे दिया जाता है। तो गाड़ी के फ्रंट लुक की बात की जाए तो फ्रंट लुक पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। अब अगर सबसे पहले इसके मॉडल की बात की जाए तो ये 2020 का मॉडल है फेस अपलिफ्ट वाली है। तो इसकी जो हेडलाइट्स है ना वो आपको ये LED हेडलाइट्स मिलती हैं। ये AMG वर्जन है तो इसकी फ्रंट ग्रिल भी थोड़ी सी चेंज है। LED हाई परफॉर्मेंस लाइट्स हैं, ये इसमें सिंगल DRL दी जाती है चूँकि सी क्लास है, और इसके टर्न सिग्नल्स भी इसी DRL में दिए गए हैं। नीचे आ जाएँ, पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, ये इसमें आपके पास फेक एयरवेंट्स दिए हुए हैं। AMG स्टाइल ग्रिल इसकी दी गई है जिसको वंस अगेन क्रोम में फिनिश किया गया है। मर्सिडीज़ का काफ़ी मैसिव सा एम्बलम भी दिया गया है। फ्रंट लुक इसकी काफ़ी हद तक स्पोर्टी है अगर यहाँ से देख सकें। सो इसके अलावा ये रियल वेंट्स हैं ये वाले, और ये देख सकते हैं मेन बंद है बट ये साइड से फंक्शन सर्व करते हैं अगर मैं यहाँ से आपको दिखा सकूँ तो। बाकी इसमें AMG के रिम्स दिए गए हैं और पिरेली का टायर भी इसमें आपको प्री इंस्टॉल मिलता है। P0 आते हैं इसमें, और साइज़ की बात की जाए तो ये 18 इंचेस के इसमें अलॉय रिम्स है 225/45R18। और इसके अलावा गाड़ी की बात की जाए तो ये आपको C180 AMG है, और ये टर्बो चार्ज गाड़ियाँ होती हैं। पर आ जाए गाड़ी में आपको बस सनरूफ मिल जाता है, और गाड़ी रूफ ब्लैक में, ग्लॉस ब्लैक में, और इसी तरह जो साइड मिरर्स हैं वो भी आपको ग्लॉस ब्लैक में दिए जाते हैं विद LED टर्न सिग्नल्स। पैसिव एंट्री की ऑप्शन आपको मिल जाती है, प्राइवेसी शेड्स आपको मिल रहे हैं हर जगह। और इसी तरह बैक साइड पे आ जाए तो बैक भी आप देख सकते हैं ऑल LED लाइट्स इसमें दी गई हैं। इसके अलावा बात की जाए तो सिर्फ एक बैज आपको मिलता है इस पर AMG का, और इसके अलावा देख सकते हैं कोई बैज नहीं है, सिर्फ मर्सिडीज़ का एम्बलम दिया गया। बाकी नीचे आ जाए, पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, रेयर डिफ्यूज़र है, और ये इसमें सराउंड है, और इसके बीच में रियल एग्जॉस्ट दिया गया। कुछ जैसे मर्सिडीज़ की गाड़ियाँ तो उसमें फेक एग्जॉस्ट दिया जाता है, बट ये इसके डिज़ाइन के लिए दिया गया। अब हम इंटीरियर में चलते हैं और बाकी इसमें ऑप्शंस आपको दिखाते हैं। कि सबसे पहले नीचे आपके पास एंट्री एग्ज़िट के लिए लैंप दिया गया, और नीचे इंटीरियर की बात की जाए तो ब्राउन इंटीरियर है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट आपको मिल जाते हैं। बैक पे लेग रूम आप देख सकते हैं, लेग रूम काफ़ी डिसेंट है, मैगजीन होल्डर्स मिल रहे हैं। बैक पे आपके पास एयर वेंट्स आ जाते हैं। नीचे की बात की जाए तो नीचे आपके पास इसमें एम्बिएंट लाइटनिंग वगैरह मिल रही है, बर्मस्टर का साउंड सिस्टम है, ऊपर मून रूफ आ जाता है। इस साइड पे आपके पास इसके डोम लाइट्स या रीडिंग लाइट्स आपको दी गई हैं। नेक्स्ट आर्मरेस्ट में आपके पास ऑप्टिमल स्पेस मिल जाती है, जिसमें इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह होल्ड कर सकते हैं, और ट्विन कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। इंटीरियर की बात की जाए, ब्लैक और ब्राउन का कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है। सेंटर में काफ़ी मैसिव ट्रांसमिशन टनल है, चूँकि ये गाड़ियाँ या तो रेयर व्हील ड्राइव होती हैं या फोर व्हील ड्राइव होती हैं, मतलब फॉर्मेटिक होती है वो फोर व्हील ड्राइव होती है, और दूसरी जो है वो सिंपल आती है रेयर व्हील ड्राइव के साथ। तो फ्रंट का एक दफ़ा में व्यू देखो, अब आगे चलते हैं और इसका बाकी फ्रंट का व्यू आपको देते हैं। बर्मस्टर का साउंड सिस्टम दिया गया, जो कि वंस अगेन काफ़ी प्रीमियम साउंड सिस्टम दिया जाता है। बाकी गाड़ी में आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड सीट्स हैं, मर्सिडीज़ की स्कफ प्लेट मिल जाती है, स्टार्ट स्टॉप इस साइड पे आपको मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाएँ, स्टेयरिंग व्हील पे आपको पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, कुछ इस तरह का इसका बेसिक, जब आप ऑन करते हैं तो क्लस्टर आपको मिल जाता है। मैं स्टार्ट करता हूँ फिर बाकी दिखाता हूँ। तो ये 36,141 किलोमीटर्स डन है। बाकी बात की जाए, काफ़ी मैसिव सा इंफोटेनमेंट सिस्टम है। नीचे आ जाएँ, एक दफ़ा में मैं पहले गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर आपको इसके तमाम फंक्शंस और फीचर्स। तो ये था इसका स्टार्टअप। तो इस साइड की बात की जाए तो ये इसके AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं। फ्रंट पे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, और यहाँ से आप अपना टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात की जाए तो ये मेन्यू कंट्रोल्स दिए गए हैं, जिससे आप अपने क्लाइमेट के सेटिंग वगैरह भी बना सकते हैं और डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर ये व्हीकल सेटिंग्स आ जाती है, और जिसको आप स्विवल व्हील के थ्रू ही
इसके थ्रू ही कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये टच सिस्टम नहीं आता, ये आप देख सकते हैं। और इसको एक सेकंड में थोड़ा सा जूम आउट करके आपको ओवरऑल दिखाता हूँ, अब आप लोगों को क्लियर भी आएगा। नीचे टेलीफोन, मीडिया, रेडियो, नेविगेशन के कंट्रोल्स आ जाते हैं। नीचे की बात की जाए तो ये इसकी स्क्रीन को पावर ऑन ऑफ करने वाला वॉल्यूम नॉब आ गई। ये डायनेमिक सेलेक्टर आ जाता है जिसमें आपके डिफरेंट मोड्स हैं, पार्किंग सेंसर्स है, व्यू कैमरा आ जाता है, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इसमें 360 कैमरा नहीं दिया गया, ये देख सकते हैं बैक कैमरा। और ये 360 की ऑप्शन इस गाड़ी में नहीं है। इको आइडल आ जाता है। देन आपके पास डायनेमिक को अगर मैं करता हूँ जस्ट फॉर अ सेकेंड, तो डायनेमिक में हमारे पास आप देखें स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स प्लस, इंडिविजुअल, देन कंफर्ट एंड ईको, ये डिफरेंट मोड्स हैं। इंडिविजुअल में आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और ये मतलब गाड़ी अपने लिहाज से कि आप थ्रॉटल रिस्पांस वगैरह सब कुछ सेट करेगी। देन मीटर पे आ जाएं तो इसमें ओवरऑल डिजिटल मीटर ही दिया जाता है। देन यहाँ पे आपके पास इसमें कॉलम शिफ्टर आ गया और ड्राइव, सो बैक टू पार्किंग, एंड बीच में बात ये 260 ओवरऑल मीटर है, आरपीएम गेज आ जाती है। बाकी इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, असिस्टेंस है, सर्विस है, और आप ये सेंटर पैनल को चेंज भी कर सकते हैं। आप ये डिज़ाइन में आएंगे, क्लासिक में मैं आता हूँ तो कुछ इस तरह का व्यू हो जाएगा। जस्ट फॉर अ सेकेंड आपको एक क्लियर व्यू देते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स में ऐसा सेटिंग है, क्लासिक में आएंगे तो हमारे पास ऐसे सेटअप हो जाएगा, प्रोग्रेसिव में आएंगे तो डिजिटल सेटअप आपके पास हो जाएगा। बाकी स्क्रीन की बात की जाए तो इजी टू यूज़ है, इतना हार्ड नहीं है सेटअप इसमें। देन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह इजी है, और इसमें आई गेस एंड्रॉयड ऑटो वगैरह भी आपके पास होना चाहिए। ये देखें एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले भी आपको मिल जाता है, और एंड्रॉयड ऑटो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये शायद वायरलेस होगा, मैं कनेक्ट करके चेक करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अच्छा, तो इसमें एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले वाइड है, देन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह इजी है, ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर आपको मिल जाता है। ऊपर की बात कीजिए, कैबिन लाइट्स दी गई हैं। देन यहाँ से इसके आपके पास सनरूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं जिसको आप यूँ खोल सकते हैं। इसमें ऐसा मून रूफ की भी ऑप्शन आपको मिल जाती है, और इसका सनरूफ सिर्फ इतना ओपन होता है, दैट्स इट। इसके अलावा बात कीजिए सन वाइजर्स में, आपके पास वैनिटी मिरर विद लाइट दिया जाता है। और गाड़ी का जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपके पास C180 है, 1.6 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है, AMG वाले लाइन पैकेज है जिसमें आपके पास ये AMG की सीट्स वगैरह आ जाती हैं, और ये सीट्स आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिप करके रखती हैं। AMG के रिम्स आ जाते हैं, AMG की ग्रिल आ जाती है, और इस तरह के कुछ ऑप्शंस इसमें आपको मिल जाते हैं। बाकी बेसिक गाड़ी है, सी क्लास है। अच्छा, इसमें क्रूज़ कंट्रोल वगैरह भी दिया गया है, पार्किंग सेंसर्स आपको मिल रहे हैं, मल्टीपल एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं। सो ये गाड़ी 2020 का मॉडल है, साफ़ सुथरी अच्छी हालत में गाड़ी है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ी है, 36,000 किलोमीटर्स डन है जैसा कि स्टार्टिंग के वक्त मैंने आप लोगों को दिखाया था। एंड उसके अलावा बात की जाए इसकी जो प्राइस है, प्राइस इसकी 2,25,00,000 रुपए आस्किंग की जा रही है सैगल मोटर स्पोर्ट्स की रावलपिंडी ब्रांच पे। तो अगर आप ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स दी होगी, आप वहाँ से इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं। तो वेलकम, दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन मस्ट है, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।